तो यार आज हम लोग को बनारस जाना है और यहाँ से टाटा जाना है। लगभग कितने किलोमीटर है? अभी यहाँ अंतर आते 107 किलोमीटर है तो 200 किलोमीटर लगभग। टाटा। नहीं, आपको मैं चेक करके बताऊंगा। 200 नहीं होगा टाटा। तो अभी हम लोग यहाँ से तैयार होके नहीं जा रहे, नॉर्मल एकदम घर के कपड़े नहा लिया, घर के कपड़े पहन लिए। अब वहाँ पे होटल बस बुक में है। जाएंगे ना तो फिर हाँ, क्योंकि बस में जाना है, गंदा हो बहुत दूर जाएंगे। है। फिर वहाँ एक होटल बुक हो रखा है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बारात के लिए वहाँ से निकलेंगे। और मैं आपको पूरे रास्ते आपको सर पूरी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे होती है शादी, बहुत मजे आएंगे। यार चलो मिलते हैं आगे। तो और जो दूरी थी पाकि से लेकर टाटा की, वो थी 260 किलोमीटर। और पहले बात हुई थी कि सबको बस में जाना पड़ेगा, फिर एकदम मस्त गाड़ी हो गई थी तो हम आराम से गाड़ी के अंदर बैठ गए थे। तो आधी दूरी पूरी हो गई थी, हम लोग आके एक और जगह रुक गए थे ब्रेक के लिए, और हम लोग सबसे आगे चल रहे थे। यहाँ मैं थोड़ा रोड से नीचे उतर गया था, यहाँ देख रहा था क्या क्या चीज़ है। और ये सारी गाड़ी गई थी, ये बस आ रही है, ये भी बहुत सारी लगभग गाड़ी गई थी, 4-5। और फिर आराम से वापस से कार के अंदर बैठ गए और हमने डिसाइड करा आगे जाके कहीं खाना खाएंगे वहाँ पर रुक के। खाना पीना सब घर से लाए थे तो हाँ, बस निकाल के खाना था। पूरे रास्ते यार मुझे नींद तो आई नहीं थी, मैं आराम से बाहर देखते देखते जा रहा था और बहुत सारी वीडियो बना ली मैंने। और फिर आराम से स्पीकर से कनेक्ट कर लिया था कार के अंदर जो स्पीकर होता है, और पूरे समय एकदम गाना बजा के लेकर गए थे, जहाँ से स्टार्ट हुई थी और लास्ट तक बस गाने बजे थे पूरे समय। तो अरे वही जगह है जहाँ हम लोग खाना के लिए रुके थे, बस में से खाना निकला, सबने खाया, और ये दोनों पता नहीं लड़कियाँ क्या कर रही थी। इसके बाद यार हम लोग टाटा के अंदर घुस गए थे, और टाटा में यार इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देखने लगे, मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत सारे एकदम जंगल और दूर से एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़, दोनों तरफ का सीन बहुत अच्छा था, मुझे तो मज़ा आया था। तो यार ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैंने सोचा ना यहाँ से वहाँ तक का जाने का एक वीडियो, मतलब अपने घर से टाटा था, और उसके बाद जो बारात में हुआ वहाँ से एक और वीडियो मैं डाल दूंगा मैं। तो यार उसके अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो और इसके बाद ज़्यादा दूर बचा नहीं था, बस हम लोग पहुँचने वाले थे और धीरे धीरे एकदम शाम होते जा रहा था। तो और इसके बाद हम लोग बस पहुँचने वाले थे, और ये हमारा रूम है, ये आप देख सकते हैं। इसी के अंदर हम मतलब लड़कों ने कपड़े उपड़े चेंज करे थे और लड़कियों को दूसरा रूम दे दिया था। तो और जिसने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू, मिलते अगली वीडियो पर। थैंक्स।